अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मैं हकीम अहमद तारिक चौधरी इस वक्त आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको करंजवे का जो पौधा है उसकी पहचान करवाने जा रहा हूँ हुक्म हज़रात के लिए। इस वक्त हम करंजवे के पौधे के पास खड़े हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी खड़े हैं। दोस्त तो इस वक्त मैं पंजाब में ज़िला उकाड़ा तहसील दपालपुर गौसिया तिबिया कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कॉलेज की इंतज़ामिया है इन्होंने माशाल्लाह से बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, जिससे हुक्मा की पहचान के लिए मुझे भी इसमें बहुत सारा शौक हुआ, तो मैं ये वीडियो आप दोस्तों की पहचान के लिए बना रहा हूँ। आप सब थोड़ा सा आगे आएँ, इस पौधे को हम आप करीब से क्लोज करके बताते हैं। पत्ते पकड़ने के दोस्त इसको पकड़े पत्ते को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इसके जो पत्ते हैं जी, इसके ये फ्रंट से दिखाएँ जी, फ्रंट से, क्योंकि दोस्तों को दोस्त कहते काले आती हैं, जमे आपकी जो कीम सब को उस पर ठहरते नहीं हैं, वीडियो को तेज तेज चला देते हैं तो हमें उसकी पहचान नहीं होती। ये देखें जी, इसका फ्रंट से ये पत्ता है, इसका बैक से भी दिखाएं जी। ये देखें, ये बैक से हो गया जी, और इसमें अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है, इसके छोटे छोटे हर जहाँ पर ये पत्ते हैं कांटे हैं। इस पौधे में सबसे ये एक चीज़ है, इसमें ये कांटे हैं, ये देखें ये कांटे हैं, ये कांटे हैं, और इसकी जो साख है, इसको साख बोलेंगे, साख में भी कांटे हैं। साख के आगे जो टहनियाँ लगी हुई हैं, ये मुझे भी एक कांटा लग गया। अच्छा जी, उसमें ये हैं, मतलब है, बहुत एहतियात से इसको पकड़ने की ज़रूरत है। अब आप इसको जो इसके जो फूल दिखाएँ जी, फूल 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 से, हाँ ऐसे करें, फूल से आप जी इसको दिखाएँ ज़रा, थोड़ी देर रोक के कैमरे को, यहाँ पर इसकी ज़रा पहचान हो जाए दोस्त, ठीक हो गया जी। ये आगे जी इसके फूल आ गए जनाब, ये देखें जी, फूल आप देख रहे हैं हल्के पिलाइट माइल के हैं, साइड में ये ऐसे टहनियाँ एक दो तीन चार, और सेंटर में एक ये फिर ऐसे करके ये चीज़ है। अब इसकी आप कोई दोस्त इसको करें, इसका फल जो है करंजवे का उसको दिखाने की कोशिश करें जी। ये इसको आप सब फोकस करें, फल को ये फल करें, इसीलिए ये देखें जी, ये इसके अंदर से मगज़ की वो निकलती हैं, क्या कहते हैं इसके अंदर करंजवे के मगज़ होते हैं। इसका जो इस्तेमाल है, ये महल्ले उराम है, बुखारों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तब लर्जा में मुफीद है। इसका जो तिब्बी लुगत के हवाले से जो इसका मजाज है, गर्म खुशक दर्जाए सोम है जी। ये दोस्तों के लिए मैंने पहचान के लिए ये वीडियो आपको बताई। इसको थोड़ा सा पौधे का हाइट बताएं जी, ये कितना हाइट पर है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो दोस्तों मैं आपके लिए नित नई नई वीडियो की रहता हूँ, उसमें रहता हूँ, मतलब तलाश में रहता हूँ, जहाँ पे मुझे आती है कोई पौधा नज़र आता है हुक्म हज़रात के लिए, तो मेरी कोशिश होती है सब दोस्तों को इसकी पहचान हो जाए। मेरी ये भी कोशिश होती है उसको मैं फोकस करके बताऊँ। इसके जो तिब्बी मुकम्मल खवास हैं वो बताना मुख्तसर वीडियो में मुमकिन नहीं है। दो साहब आप जो हुक्म हज़रात हैं उनको चाहिए कि वो उसको साथ तिब्बी लोगों को देखें, उसके फ़ायदे उसमें पढ़ें। तो मैं पूरे मुल्क में ऐसे घूमता बेहतर रहता हूँ, बेसिकली मैं मानसेरे में भी प्रैक्टिस करता हूँ, मानसेरा तिब्बी कॉलेज में मैं लेक्चरार भी हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेजी करेगा आपके लिए, आपको बहुत मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियो मिलेंगी, इस तरह की भी वीडियो भी मिलेंगी जो मैंने जो शेयर की, जो आपको उनके बारे में पता नहीं। मैंने इसके लिए पहाड़ी में बहुत सफ़र भी किया है, मेरे चढ़ाई पे मैं पहाड़ी रास्ता है, वहाँ मैं उसका आदि नहीं हूँ, लेकिन वीडियो के लिए मैंने वहाँ भी सफ़र किया है जी दोस्तों के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले एक मफीद वीडियो में, तब तक हकीम अहमद तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।